गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर इंग्लिश ग्रामर क्लास. यस्टरडे वी हैव कम्प्लीटेड 4 चैप्टर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. नाउ आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट सम ग्रामर वर्कशीट फॉर रिलेटेड टू दीज चैप्टर्स. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. फर्स्ट ए है, underline the naming words and put it in the correct columns. क्या है यहाँ आपको देखिए, क्या है एक paragraph दिया हुआ है, हमको उसमें क्या करना है, जो naming words हैं उनको underline करना है and put it in the correct column. और उसे हमें फिर क्या करना है, उन words को correct column में लिखना है. Okay, लेट्स डिड स्टार्ट. देयर इज़ अ पार्क नियर माई हाउस. क्या है यहाँ एक पार्क मेरे घर के पास है. तो इसमें नेमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं, देखिए पार्क एंड हाउस. तो हम पार्क और हाउस को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे. सेकेंड है, द पार्क हैज़ अ बिग पॉन्ड. पार्क में क्या है, एक बड़ा पॉन्ड है, तालाब है. तो इसमें भी नेमिंग वर्ड कौन से हैं, पार्क है एंड पॉन्ड है. पार्क और पॉन्ड को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे. देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड. क्या है देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड, इस पॉन्ड में क्या है, बहुत सारी फिश हैं. तो इसमें नेमिंग वर्ड कौन कौन से हैं, फिश है एंड पॉन्ड है. तो फिश एंड पॉन्ड को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे. A girl and her grandmother go to the park every morning. क्या है, एक गर्ल और उसकी दादी रोज क्या होता है, पार्क में सुबह को जाती हैं. इसमें नेमिंग वर्ड्स कौन से हैं, देखिए कौन कौन से बताइए, गर्ल क्योंकि वो कौन है, एक लड़की है, और grandmother दादी वो भी grandmother हैं, और पार्क एक प्लेस है, grandmother एक पर्सन है. तो हम इसमें गर्ल, ग्रैंड मदर और पार्क तीनों को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे. दे गिव द फिश सम ब्रेड. और वो क्या देती हैं, मछलियों को, फिश को कुछ ब्रेड देती हैं. इसमें कौन कौन से नेमिंग वर्ड्स हैं, फिश है क्योंकि वो एक एनिमल है, और ब्रेड क्या है, एक क्या है ब्रेड, ये दिस इज थिंग है. हम इसको ब्रेड को भी अंडरलाइन करेंगे. दे ऑल्सो गेट सीड्स फॉर द वर्ड्स. और वो क्या करती हैं, वर्ड्स को भी सीड्स देती हैं. तो इसमें भी नेमिंग वर्ड्स कौन से हैं, सीड्स क्योंकि वो एक थिंग है, और वर्ड्स वो एक एनिमल है, इसलिए हम सीड्स एंड वर्ड्स को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे. द वर्ड्स एंड द फिश आर ऑल वेरी हैप्पी. और जो वर्ड्स इन फिश हैं वो बहुत खुश होती हैं. तो इसमें भी क्या है, वर्ड्स एंड फिश क्या हैं, एनिमल हैं, इन दोनों को अंडरलाइन करेंगे. अब हमें इन जो नेमिंग वर्ड्स हैं उन्हें हमें क्या करना है, करेक्ट कॉलम में लिखना है. पार्क, पार्क क्या है, एक प्लेस है. तो पार्क को हम किसके कॉलम में लिखेंगे, देखिए यहाँ 4 कॉलम्स बने हुए हैं, पर्सन का, एक एनिमल का, एक थिंग का और एक प्लेस का. ठीक है, यहाँ 4 कॉलम्स बने हुए हैं. तो जो इसमें नेमिंग वर्ड्स हैं हमें उन्हें सही कॉलम में लिखना है. पार्क क्या है, एक प्लेस है, तो इसलिए पार्क को हम प्लेस के कॉलम में राइट डाउन करेंगे. हाउस भी क्या है, हाउस भी एक प्लेस है, इसलिए उसे भी हम किस में लिखेंगे, प्लेस के कॉलम में लिखेंगे. फिर पार्क है, पार्क हैज़ अ बिग पॉन्ड. तो पार्क क्या है, वो प्लेस है, वो पहले से ही वहाँ लिखा हुआ है. पॉन्ड नया नेमिंग वर्ड है, तो पॉन्ड को भी, पॉन्ड भी क्या है, एक प्लेस है कि वो एक तालाब है पानी का. तो पॉन्ड को भी हम किस में लिखेंगे, प्लेस में लिखेंगे. देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड. तो फिश क्या है, इसमें फिश क्या है, एनिमल है. फिश को हम किसके कॉलम में लिखेंगे, एनिमल के कॉलम में लिखेंगे. और पॉन्ड क्या है, प्लेस है जो हमने पहले से ही लिखा हुआ है. अ गर्ल एंड हर ग्रैंड मदर गो टू द पार्क एवरी मॉर्निंग. अब इसमें क्या है, देखिए गर्ल और उसकी दादी,
ये कौन है? एक पर्सन है, लड़की और उसकी दादी दोनों क्या हैं? एक पर्सन हैं। दोनों को हम किस में लिखेंगे? पर्सन वाले कॉलम में लिखेंगे गर्ल एंड ग्रैंड मदर। पार्क, पार्क क्या है? एक प्लेस है जो इसमें पहले से ही लिखा हुआ प्ले थिंग के उसमें प्लेस की जो कॉलम में हमने लिख रखा है। ब्रेड, ब्रेड क्या है? ये एक थिंग है, इसलिए हम ब्रेड को थिंग के कॉलम में लिखेंगे। सीट्स, सीट्स क्या है? सीट्स भी क्या है? एक थिंग है, इसे भी हम थिंग्स के कॉलम में लिखेंगे। द बर्ड्स एंड फिश आर ऑल वेरी हैप्पी, और बर्ड्स एंड फिश क्या हैं? दोनों एनिमल हैं जो कि हमने एनिमल के कॉलम में लिखा हुआ है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड, डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक्स। सेकेंड है, लुक एट द वर्ड ग्रिट, कलर द कॉमन नेम्स ब्लू एंड द स्पेशल नेम्स येलो। क्या है यहाँ? आपको एक वर्ड ग्रिट दी हुई है, कलर द कॉमन नेम्स ब्लू एंड द स्पेशल नेम्स येलो। हमें उसमें क्या करना है? जो कॉमन नेम्स हैं उन्हें हमें ब्लू कलर करना है, और जो स्पेशल नेम्स हैं उन्हें हमें येलो कलर करना है। फर्स्ट गीता, गीता कैसा है? गीता कैसा नेम है, स्पेशल या कॉमन? गीता स्पेशल नेम है, इसलिए हम उसमें कौन सा कलर करेंगे? येलो कलर करेंगे। बुक, बुक कैसा नेम है? ये कॉमन नेम है, तो बुक, बुक में क्या है? हम ब्लू कलर करेंगे। बैंड, बैंड भी कैसा नेम है? दिस इज ऑल्सो कॉमन नेम्स। कैसा नेम है? कॉमन नेम्स है, इसलिए सो वी शुड ब्लू कलर इन दैट कॉलम। जू, जू कैसा है? जू भी कॉमन नेम है, तो इसमें भी हम कौन सा कलर करेंगे? ब्लू कलर करेंगे। मंडे, मंडे कैसा नेम है? मंडे इज अ स्पेशल नेम, दिस इज द डेज ऑफ द वीक, तो हम इसमें कौन सा कलर करेंगे? येलो कलर करेंगे। कार, कार कैसा है? कार इज अ कॉमन नेम, इसमें हम कौन सा कलर करेंगे? ब्लू कलर करेंगे। वरुण, वरुण इज अ स्पेशल नेम, दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन, तो वरुण इज अ स्पेशल नेम, इसमें हम येलो कलर करेंगे। इंडिया, इंडिया क्या है? आपके देश का नाम है, दिस इज द स्पेशल नेम, इसमें हम कौन सा कलर करेंगे? येलो कलर करेंगे। टेबल, टेबल क्या है? दिस इज कॉमन नेम्स, इसमें हमने कौन सा कलर करेंगे? ब्लू कलर करेंगे। क्रिसमस, क्रिसमस इज द फेस्टिवल, दिस इज द स्पेशल नेम, इसमें हम कौन सा कलर करेंगे? येलो कलर करेंगे। मिल्क, मिल्क कैसा है? मिल्क कॉमन नेम्स है, इसमें हम कौन सा कलर करेंगे? ब्लू। वुमेन, वुमेन कैसा कलर नेम है? दिस इज ऑल्सो कॉमन नेम्स, इसमें भी हम ब्लू कलर करेंगे। कोलकाता, कोलकाता क्या है? एक जगह का नाम है, तो ये हमारा कैसा है? स्पेशल नेम है, तो कोलकाता को भी हम येलो कलर करेंगे। सिटी, सिटी कैसा है? सिटी स्पेशल नेम्स है, इसमें हम कौन सा कलर करेंगे? सिटी में हम ब्लू कलर करेंगे। चोको स्टिक, चोको स्टिक कैसी वो है? चोको स्टिक भी स्पेशल नेम है, इसमें भी हम ब्लू कलर करेंगे। जग, जग इज ऑल्सो अ स्पेशल नेम, तो जग इज ऑल्सो कॉमन नेम, इसमें हम कौन सा कलर करेंगे? हम जग में ब्लू कलर करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? जो कॉमन नेम्स हैं उसमें हमने ब्लू कलर करना है, और जो स्पेशल नेम्स हैं उसमें हमें येलो कलर करना है, जैसे गीता है, मंडे है, वरुण है, इंडिया है, क्रिसमस है एंड कोलकाता। ये सब कैसे नेम्स हैं? दिस इज द स्पेशल नेम्स, इसमें हम कौन सा कलर? येलो कलर करेंगे। एंड जो कॉमन नेम्स हैं उनमें हम ब्लू कलर करेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड,
डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक्स. थैंक यू एंड हैव अ